everyone, this is Mustafa and welcome back to the another vlog. आ जा, हाथ दिखाते हुए सर, हाथ तो दिखा, हाथ तो दिखा ब्रो, इधर से ले लेंगे ऑटो अपन। राजा बड़ी कौन है? राजावाड़ी जाने का? राजावाड़ी ऑलमोस्ट 10 दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और आज है 21, शायद 21वां रोज़ है आज का। साथ में रेहान बैठा है मेरे, सारा कुछ स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं और इतने दिन मैं कहाँ पे था। फिलहाल अभी पहले राजावाड़ी पहुँच जाओ। एक्चुअली मैं टिफ़िन लेके जा रहा हूँ मेरी सिस्टर के लिए, टिफ़िन वगैरह देते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर सारा कुछ आज एक्सप्लेन करूँगा और आज का वीडियो पूरा आखिर तक देखना। यहाँ पे बहुत केस आते हैं, यहाँ बैठे रहेगा ना बाहर तो एक से एक केस तक को देखने मिलेंगे। बार बार कोई ना कोई पेशेंट आते रहता है, किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ। ऑटो आती रहे अंदर तक लाना सीधा। क्या काम हो रहा है रे भाई, मेरे को भी आज ही काम चालू करने का था। देख क्या A few moments later. जाएंगे क्या लाइन में? गोवंडी बैगनवाड़ी, इधर लाइन वाला सिस्टम नहीं है क्या? लाइन वाला ही है। अच्छा चलेगा ना? चलेगा हाँ, पर अपने ऊपर केस नहीं होना चाहिए। हाँ अगर केस हो गया ना वाट लग जाएगी, पूरी मीटर खराब हो जाएगा अपने पूरा, अपने को पूरा क्लीन निकलना पड़ेगा। हाँ एक बार अपन मार खा लेगा, एक महीना घर पे बैठेगा ना मार खा के, हाँ दवा पानी करके ठीक हो जाएगा, वो परवड़ेगा अपने को। हाँ जब वो केस बना देगा ना, हाँ लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तुम गांव में रहेगा ना, हाँ तो भी तुमको इधर आना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए आना पड़ेगा। और नहीं आएगा इधर तो इधर मम्मी डैडी रहेगा ना, उन लोगों को उठा लेगा। हाँ तुमको आना ही है इधर। हाँ बहुत तकलीफ है भाई, संभल के इतना बोलता संभल के निकलने का, और दो ही जन नहीं तो एक जन ही निकल लेगा, तीन जन नहीं जाएगा, तीन जन जाएगा तो भी कार्रवाई है। हाँ रिक्शा में तो दो ही अलाउड है ना? टैक्सी में भी दो अलाउड है। रिक्शा में तीन बैठेगा ना अटैक करते हैं हम लोग, और प्राइवेट गाड़ी है ना, प्राइवेट गाड़ी। हाँ प्राइवेट गाड़ी में भी अटैक करते हैं क्योंकि अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ना। हाँ अपन चार चार पाँच पाँच जन जाते हैं। हाँ बाइक में भी एक जन। आरटीओ वगैरह चालू है क्या? नहीं क्या आरटीओ? आरटीओ बंद है, ऑफिस बंद है। मेरा लाइसेंस के लिए मेरे को टेस्ट के लिए जाने का था। नहीं नहीं 30 तारीख बोला था। हाँ नहीं मेरा तो अगले महीने का अपॉइंटमेंट मिला है, मेरे को 29 का मिला है। 29 को चालू होएगा बोला? मेरे को मिला तो है उसका अपॉइंटमेंट, देखो क्या होता है। ये 29 आएगा वो ना आगे आने वाली, उसके बाद वाली अगले महीने की 29 के बाद। हाँ ऑनलाइन अप्लाई किया ना, और धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज।
इतने दिनों से मैं वीडियो बना नहीं रहा था सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो मेरी सिस्टर है उसको लड़का हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं मामू बन चुका हूँ कुछ 7-8 दिन पहले, और मैं वीडियोस डालने वाला था लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई, फिर आप लोगों को जैसे पता है हॉस्पिटल वगैरह में से कुछ दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं, तो वही था, इसलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, थोड़ा सा डिस्टर्ब था। मैं बोला यार सब कुछ ठीक से हो जाएगा या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। अभी वो कुछ 1-2 दिन में आने वाले मेरे सिस्टर, तो अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी से मेरे वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरा कोशिश कर रहा था कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ। अभी ये 10 दिन बहुत ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया है, अभी मैं नहीं चाहता कि इसको और ज़्यादा गैप दूँ। फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन है, आज का है 21 रोज़ा, और अभी मैं उठा था आज सुबह 10:30 उठा। आज मैं फटाफट लेक्चर वगैरह ज्वाइन करना रहता है, लेक्चर वगैरह बैठा। अभी मेरा कुछ 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम भी है, लेक्चर में पढ़ा के सब हो चुका है, मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आधा सिलेबस बाकी है, उसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा डिप्लोमा। अभी ये जो हम लोग का टेस्ट होने वाला है परसों के दिन, 6 तारीख से 3 दिन के लिए हम लोग का कुछ टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक और एक टेस्ट होगा, फिर हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम होगा, फिर हम लोग का डिप्लोमा ख़त्म। तो ये सब आज की कहानी है। तो जब भी हम लोग ऑटो में आ रहे थे तो ऑटो वाला बोल रहा था कि तुम लोग के जो गोवंडी को है वो ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट करने वाले। कल रात में सडनली क्या हो गया था, दिन भर में उतना कुछ नहीं था लेकिन रात में अचानक से पुलिस की गाड़ी वगैरह आके सब रास्तों को ब्लॉक कर दिए थे, और किसी को भी अननेसेसरी बाहर आने जाने नहीं दे रहे थे। अगर वैलिड रीज़न रह रहा था तभी उसको आने जाने दे रहे थे। तो कल थोड़ा बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई, तो फिर वो ऑटो वाला बता रहा था कि एक्चुअल में ऐसा है कि तुम लोग मतलब गोवंडी जो पूरे गोवंडी वालों को अननेसेसरी बाहर आने नहीं दिया जा सकता, ऐसा कुछ रूल है, लेकिन वो लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं, ऐसा कुछ बता रहा था वो। अभी हो सकता है कि और ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करें, मार तो नहीं रहे, लेकिन वो ऑटो वाला आपने सुना होगा शायद, मैं डालूँगा या नहीं पता नहीं, वो ऑटो वाला बोल रहा था कि लीगली अगर लोग एक्शन लिए तो मार खाना ज़्यादा बेटर है ये सब पुलिस के चक्कर काटने से, इसलिए बोलता घर में ही रहो, अगर पुलिस की कार्रवाई हो गई, अगर केस वगैरह पड़ गया तो तुम कहीं भी रहो, तुमको गांव में भी रहो तो तुमको गांव से आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो आपके पेरेंट्स को उठा लिया जाएगा, ऐसा सब बोल रहा था वो ऑटो वाला। तो भाई इतना सब करना ही क्यों है, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो कुछ प्रूफ वगैरह साथ में रखो, बाहर निकलो मास्क लगाओ। मैं तो हमेशा आप देखते होगे जब भी मैं बाहर जाता हूँ मेरी आदत सी है मैं मास्क लगाए रहता हूँ, भले मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अंदर से ही बात करता हूँ, माइक अपने मास्क में घुसा देता हूँ लेकिन मास्क लगा कर ही बात करता हूँ। तो अभी जो है ये सब ईद की तैयारी चल रही है, ये सब अलग अलग कुर्ते, मेरा नहीं है टेंशन मतलब, ये सब कोई कोई सिलाने आया है तो मेरे डैडी ने उन लोगों का माप लेकर सिल दिए, ये शर्ट है दो, बाकी सब पैजामा है। बाकी जो नॉर्मल आप लोगों ने काम देखा था मैंने दिखाया था वो अभी फ़िलहाल स्टॉप है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो अभी बस थोड़ा बहुत ये सब ईद वगैरह का बन रहा है, शर्ट कुर्ता मेरा भी यहीं पे बनवाऊंगा अभी मैं। मैंने जैसे मेरे कुर्ते का पैटर्न सोचा हो आई डोंट नो वैसा बन पाएगा या नहीं, बन तो पाएगा लेकिन टाइम मिलेगा या नहीं मेरे डैडी को आई डोंट नो, अल्लाह करे टाइम मिल जाए और वैसा कपड़ा भी मिल जाए तो मैं जो पैटर्न सोचा हो जो मेरे पास है फ़ोटो वो मैं मेरे डैड को देने वाला हूँ और वैसा सिल के मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आउटफिट देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं सिंपल रहेगा डिसेंट रहेगा। और बाकी दूसरी बातचीत वगैरह का मेरे पास कुछ प्लान नहीं है, बस जो कुछ भी रहेगा मेरे पास पहले के भी कुर्ते वगैरह है तो वो पहन लूँगा, बस ईद में थोड़ा सा डिसेंट चाहिए इसलिए मैं सिला रहा हूँ। वैसे आप लोग गैस कर सकते हो कि कलर कौन सा रहेगा, मेरा कलर भी मेरा डिसाइडेड है, आप लोग कलर गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट करो। देखो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, देखते 200 लोग 150 लोग लेकिन कमेंट मेरे को 30-40 आते तो मतलब नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा कमेंट आना चाहिए मुझे, आप लोग से भी मुझे वाकिफ़ होना है कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है मेरी लाइफ का क्या नहीं, तो वो उस हिसाब से मैं चलूँगा तो आप लोगों को और अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। अभी दोपहर के बज रहे 4 और मैं जा रहा हूँ खजूर लेने और अंडा वगैरह लेना था, तो निकल गया। अभी इतनी मार्केट में भीड़ नहीं है, देखते हो खजूर वाले आंटी बैठे हैं कि नहीं, ये देखो स्ट्रगलिंग पार्ट।
कहाँ गायब था इतने दिन? कहाँ गायब था इतने दिन? इतने दिन वहाँ यहीं तो था ना। चार अंडे दो। अभी तनवीर चार अंडे ले रहा है, एक्चुअली मेरे घर का ही है। अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग बनाना लेने। देखे आ जाएगा इधर से, इधर से निकाल रहे हो क्या अभी? ओके, कैसा डजन है? 40 है। अच्छा नहीं, ये दे दो आधा आधा डजन। माइक नहीं लगाया मैं अभी, बिना माइक के आ गया मैं। माइक नहीं मिला, बताता हूँ बाद। 20 है ना, 20 ही देने का है। 20, वो भी 20 है। ये देखो शाने को चिल्लर था हाथ में, 20 रुपये दे दिया उसको और मेरा नोट लेके रख लिया। A few moments later. तो अभी मैं बना रहा हूँ चाय, मेरी सिस्टर लोग कोई बना के नहीं दे रहे थे। मैं बोला चलो मुझे भी आती है बनाने, तो मैं ही बना लेता हूँ। अभी चाय उबलने को आ गई है, इसमें दूध डालते हैं। टीवी बंद किया था ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। अभी मैं हाथ में ले लिया मोबाइल, तो उसने रिमोट छीन ली, वापस से लगा दी। ठीक है, अभी टेक ले लिया हो तो देखते हैं कॉपीराइट ना है इंशाल्लाह। वैसे ना सुन रहे थे हम लोग। अभी चाय बना के मैं खुद को ही पीना पड़ेगा, अभी क्या करें। हेलो, बना के नहीं दे रहे।